यार लेकिन ये पहाड़ों की व्यू बहुत अच्छा है। अभी मुझे वापस जाना भी बहुत डर लगता है बहुत। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी मज़े की और स्पेशली मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सकरडू में हम जाएंगे ऑर्गेनिक विलेज। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना, विलेज तो सुना लेकिन ऑर्गेनिक विलेज कैसा है और लोग रहती हैं और हमारे इधर से जाना कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी हम जा रहे हैं सकरडू ऑर्गेनिक विलेज, तो लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग। बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट किया, अभी विलेज में जा रही है। विलेज जाने से इतने आसान नहीं है, विलेज जाना भी बहुत मुश्किल है। इधर खरपोचा फोर्ट है, हम हमारी इधर गाड़ी पार्क किया और नीचे से ऐसे पहाड़ों के अंदर से विलेज में जाएंगे। बाय वॉक हमको टोटल लगेगा 20-25 मिनट, ये आप लोगों के हिसाब से लगेगा। अगर ज़्यादा जल्दी आप वॉक करते हैं तो जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन मैं अभी रास्ता आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी से तो मुश्किल स्टार्ट हो गया। ये है विलेज की रास्ता। इधर लोग खरपोचा फोर्ट में जाती है, खरपोचा फोर्ट भी ये ऊपर है, लेकिन हमने उधर नहीं जाना। मुझे बहुत डर लगता कि हम ऐसे ऐसे पहाड़ों के अंदर जाएंगे। अभी तो बिल्कुल विलेज की रास्ता थोड़ी सीधा है, ये रास्ता है थोड़ी सी डेंजरस। देखे बस एक ऐसे एक बंदा आराम से जा सकते हैं, अदरवाइज इधर से गिर गई तो जान खतरे। रास्ता नहीं है, उन्होंने ऐसे लकड़ी डाल दिया है क्योंकि ये सारे पत्थर के ऊपर है। ये डर लगते हैं ना ले लो, क्योंकि ऐसे पूरी नीचे नहर है। इधर से बस हम ऐसे पत्थर के ऊपर जा रही है। आई डोंट नो, इंशाल्लाह विलेज तो अच्छा होगा, तो हमने इतना मेहनत लेके जा रही है। अंधेरा हो जाएगा, उधर ठहरना है तो फिर ठीक। रहना तो कैसे रहना होगा, लाइक होटल वगैरह है? होटल तो आपको हम कमरा दे सकते हैं, लेकिन जस्ट लाइक रेस्टोरेंट। अच्छा, लोकल फूड। ठीक है ठीक है। अंकल कह रहे कि अगर आप इस अंदाजे से चलेंगी तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे ही लेट आएंगे। हाँ वैसे ही, तो हम भी बहुत लेट आया। अभी हम जाते हैं अली महमद भाई अंकल के साथ विलेज। अंकल आप इस विलेज में फायदा हो गया? जी जी। अच्छा, आप लोगों को कोई ख्याल नहीं था हम कोई और विलेज में जाएंगे, रास्ता भी सही हो? बहरहाल पैदाइश यहाँ हुआ है, ज़मीन यहाँ पे है, जमीन भी उधर ही है। हाँ, तो कहीं दूसरे जगह पे तो हमारा जमीन है नहीं है। अच्छा, अभी आप आटा लेके जाती हैं? आटा हाँ। अगर किसे खुदा ने खासा हॉस्पिटल में जाना होगा, वो कैसे हो रही है इधर? तो हमारे यहाँ पे वो जख्स जैसी ट्यूब का बना हुआ जख्स है, तो उसके जरिए हम दरिया पार ले जाते हैं, फिर वहाँ से रेस्क्यू वालों को फोन करते हैं तो वो यहाँ तक लेने आते हैं। अच्छा, रेस्क्यू इधर तक आती है। कितना रह गई विलेज पहुँचने में? तकरीबन 10 मिनट। 10-10 करके आप 10-10 करके आपको तो एक दिन लगाएंगे। अंकल के हिसाब से 10 मिनट, लेकिन अंकल एवरेज स्टॉप में 10 मिनट के। कम से कम 5 मिनट तो अभी यहाँ पे रेस्ट किया है ना। फिर पत्थर स्टार्ट हो गया। या क्या विलेज है ये, ऐसा लग रहा है हमने पूरी सकरडू घुमा ऐसे पहाड़ों के अंदर। पत्थर से भी आया, ये सन की जगह से भी आया और पत्थर स्टार्ट हो गया। मुझे मेरी जान छोड़ दे, तुम लोग जाओ, मैंने नहीं आना। वेलकम टू द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज इन सकरडू। रास्ता बहुत मुश्किल था। अगर आप लोगों ने दोबारा मैं कहती हूँ आना है या एक विलेज से गाइडर के साथ आ जाए, क्योंकि अगर अंकल ने हमको नहीं मिलना इतना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि अंकल ने हमको थोड़ी सी करेज भी दी और उसने रास्ता भी दिखाया। सेकंड अगर आना है प्लीज़ डे टाइम आ जाए, हमारे लिए थोड़ी सी नाइट हो गए, शायद हमने आज रात को इस विलेज में रुकेंगे। हम बिल्कुल फंस गए विलेज में। आई डोंट नो ये हमारी कितनी चक्कर हो गया इधर।
ये यार चुप कर कोई आएगा। हमने विलेज में पहुंच गया, आपको पता है रात हो गया, अभी आज रात हम इधर रुकेंगे इस विलेज में। हेलो, नाम क्या था? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम, उसने मुझे हम बहुत हेल्प किया। अभी ये दुकान है विलेज की, हम इधर से कुछ बिस्किट वगैरह खरीद लेंगे क्योंकि और रात को तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बिस्किट भी मिलेंगे आपको। इधर हमारी पार्टी हो रही है, हमने दुकान में कुछ चीज़ें खरीद लिया, अभी हम सब बैठ के खा रही है। इधर अभी आप लोगों की लाइट चलती है, बट नॉर्मल लाइट चले गई ना? हाँ, नॉर्मल लाइट चली। वो कब तक आएगा, कोई वो टाइमिंग होती है? उसका कोई टाइमिंग नहीं है। हमारी खाना उन्होंने अभी नया नया बनाया, इधर सफ़ेद चावल है और इधर चिकन कोरमा है, इधर हमारी रोटी है, रोटी तो अभी अभी पक के आई है। रहमान ने पूछा इधर बोतल मिलेगा, अंकल ने कहा भाई ये तो ऑर्गेनिक विलेज है, बोतल कहाँ से मिलेगा। बाकी उन्होंने नाम का विलेज बनाया है। अभी हम खा लेती हैं, यार चिकन तो बहुत नेक्स्ट लेवल की लग रही है। जी जी अंकल, बहुत मजा का है। अंकल हमारे साथ नहीं खाएगा, अंकल का स्पेशल आपका क्या खाना है? सूप है, सूप। हाँ, अंकल की स्पेशल सूप है रोटी के साथ। हम भी चिकन कोरमा और हमारे चावल खाएंगे, बहुत मजा का है। ये देसी मुर्गी है? हाँ जी, ये देसी मुर्गी। ये देसी, ये कौन सा आटा से बन गया ये रोटी? ये आम आटा जो चक्की का होता है। अच्छा, इससे वो थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगा, मैं उसको भी ट्राई करना चाहती हूँ। वो हमारी नॉर्मल रोटी होती है ना, उसकी जैसे नहीं है। हाँ जी, हाँ। हाँ, उससे मोटी भी है, उसकी वो टेस्ट भी अच्छे है। टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी सब भूखे इधर मेरे लिए वेट कर रही है, हम खाना खा के सो के सुबह मिल लेते हैं इंशाल्लाह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग विलेज, एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉर्निंग विलेज। अभी हम उठ के, अभी टाइम है 7:30 बजे। कल रात को इतनी ठंड था, एक्चुअली हमने फेस धोने का भी इतनी मुश्किल हो गया। यही जगह था हमने आज रहा, वही घर के अंदर रहा। ये है इधर का पानी। ओह, ठंड बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारी नाश्ता आ गया, हमने इस टाइम डिनर की जैसे नहीं किया, अभी बाहर नाश्ता करनी है। इधर है दूध पत्ती, इधर है ग्रीन टी, ये सारे अंकल की बीवी ने बनाया। इधर सब लोग के लिए अलग अलग ऑमलेट, इधर वो क्रेप की टाइप है, वो फ्राइज, और ये भी आई थिंक इनकी फ्राइज नान है, फ्राई नान है मुझे ऐसे लग रही है। अभी हम बाहर बैठ के नाश्ता कर लेंगे। मॉल तो ना, ये एरिया सुबह सुबह बहुत मजे का है। अभी हम नाश्ता करके विलेज देखेंगे। ये अंकल ने बताया कि 2006 में, अंकल 2006 में किंग चार्ल्स और उसकी बीवी कैमिला, इन्होंने ये विलेज में आके, अंकल की गेस्ट था ना जी, बिल्कुल। आप लोगों की पुराने घर है उधर, 300 साल पुराना, उन्होंने उस घर पे आई थी। ये बल्ती जुबान से बात करती है, मैं उर्दू से, हम दोनों रात से, लेकिन इतने अच्छे हमारी बॉन्डिंग हो गई। वादो वादो, अच्छा अच्छा, चोवे हो चोवे। मैंने भी थोड़ी बल्ती सीखा। ये क्या था? किसीर। ये किसीर, अभी मैं किसीर के साथ अंडा ट्राई करना चाहती हूँ। ये अंडा भी ऑर्गेनिक है ना, आप लोगों की चिकन की? इंशाल्लाह। यार अभी ठंडा हो गया होगा ना? नहीं, हमने थोड़ी सी वीडियो थोड़ी ठंडा कर दिया, वीडियो नहीं खाना ठंडा कर दिया, हमने थोड़ी लेट स्टार्ट कर दिया, अंकल ने जल्दी लेके आया। यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
पे वो आप जब खाती है ना कसम से आपको इतनी वो टेस्टी फीलिंग्स आती है ना वो नॉर्मल फीलिंग्स नहीं आते यार ठीक है मैं तो अंडा खाती हूँ आओ आओ किधर जा रहे हैं किधर ये अंकल की बच्चा है इसने डेली वही हमने ट्रैक रास्ता से आई थी ना डेली उसने यही रास्ता चक्कर लगा के सुकुल जाती है फिर वापस आती है क्योंकि इस विलेज में किधर तक सुकुल है लाइक यहां प्राइमरी लेवल तक था अभी मैं कम करके दूसरी तीसरी क्लास तक है अभी इधर इस विलेज में दूसरी तीसरी क्लास तक है उसके बाद बच्चा तो यही ट्रैक यूज करके सिकरडू मेन शहर में जाती है अभी सारे बच्चे इकट्ठी होके जा रहे हैं अंकल की दूसरा बच्चा भी आया उसकी दोस्त भी इधर वेट कर रही थी अभी सारे स्कूल में जाती है बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक ये फनी रख ये विलेज की मुझे ये पता चल गया सारी जगह से ऐसे ही नहर की जैसे पानी जाती है साफ सुथरा पानी ऐसे आ जाओ आ जाओ स्कूल जा रहे हैं विलेज की आधी रास्ता से ना ऐसे वो उन्होंने पानी ये जाने के लिए जगह बनाया है और इधर भी सेब है अभी मैं जाके जरूर इसकी एक सेब खाऊंगी बहुत टेस्टी सेब होती है अगर ऑर्गेनिक नेचुरल अभी तक ना हमने इधर सारी चीजें ऑर्गेनिक और घर की खाई और बाहर से कुछ नहीं खाया इवन हमारे पेट भी इतनी फुल हो गया ना थोड़ी भी कम खा के भी हमारे पेट फुल हो गया ये है 300 साल पुराना की घर ओ बिस्मिल्लाह कितनी बकरी निकली थोड़ा नहीं था आपका ये अभी वो अभी सारी जाएगा हाँ इतनी छोटी सी है इसको देख ऐसा आएगा वो पहाड़ से वापस आएगा चल के खुद या को रास्ता कैसे पता एक या इधर बाहर छोड़ा हुआ है एक याक और गाय की करात से एक बनी हुए याक याक को रास्ता कैसे वापस आती है इधर कैसे आते वो कैसे होते हैं पहाड़ों से खुद चल के आते हैं पहाड़ों से खुद बहस वापस आते याक दरिया पार करके भी आ जाते हैं अच्छा आज ये विलेज का व्यू देखो ये इंदुस नहर है इंदुस नहर नहीं नहीं रिवर रिवर है सॉरी ओए गिरेगा नहीं ये यार ये पूरी पूरी सारी जगह विलेज है ठीक है इनकी एग्जैक्टली ओपोजिट जगह में इंदुस रिवर है अंकल इधर कश्ती है इस कश्ती कहाँ पे जाती है आगे पीछे एक इधर है एक इधर है अच्छा ये कश्ती आप लोग ओपोजिट क्रॉस करने के लिए यार बहुत अच्छा है अच्छा इस विलेज में आप लोग आपका लाइट खुद ही जनरेट करती है अच्छा इधर की पानी आती है इधर वो ट्रिब्यूट से आप लोगों की लाइट ही बनती है वो तो 24/7 तो लाइट होती है इधर आपने आपको रात को आपको कभी लाइट नहीं नहीं लाइट नहीं गई कसम से लाइट भी नहीं गई इधर कोई गवर्नमेंट काम कर रही है लाइक रास्ता ठीक करने के लिए हाँ बिल्कुल मैंने एप्लीकेशन दी है इंशाल्लाह वो रास्ता भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा एक्चुअली रास्ता इतना वो नहीं है दूर नहीं है नया बंदा के लिए आना थोड़ी सी मुश्किल है इधर की लोकल के लिए मुश्किल नहीं है रास्ता भी थोड़ी बहुत ठीक होगा ना इतनी मज़े का विलेज मैंने अभी तक विजिट नहीं किया तुर्की में भी मैंने विजिट नहीं किया मेरी वजह से थोड़ी स्कूल लेट स्टार्ट कर दिया बट अभी स्टूडेंट आ गया अंकल के आ जाओ आ जाओ पहले स्टूडेंट आया पहले तो वो भी आया आपका बच्चा वेलकम जुबेस 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 वेलकम अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है इतनी क्यूट स्टूडेंट अच्छा स्कूल में जाओ 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 हमने दूसरा स्टूडेंट भी पकड़ लिया आओ अच्छा अच्छा आप लेट हो गए आज अंकल कहते लेट हो गए हैं ये तीसरा स्टूडेंट आ जाओ आपके लिए मस्ता नहीं है आपका बाप तो टीचर है नो इशू जाओ 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 मेरे लिए सबसे अच्छा वीडियो यही था बहुत मज़ा आया स्पेशली विलेज में रह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और विलेज की खाना खाना बहुत ही अच्छा था
अभी हमारी टाइम हो गया, हम जा रही है।